सीरियल गुम है किसी के प्यार में भवानी अश्वनी से कहती है कि वो सई और विराट को इसलिए मिला रही है क्योंकि विराट को सई और सभी से खुशियां मिलती है और काकू विराट की खुशियों के लिए कुछ भी करेगी। भवानी अश्वनी से ये तक पूछती है कि अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम एक की खुशियां यानी पाकी की खुशियां देखती या फिर बाकी सबकी खुशियां देखती। जिसके बाद साई विराट को उसके रूम में लेकर आती है और उसे सुला देती है, लेकिन विराट साई को जाने नहीं देता और उससे बात करने लग जाता है। विराट बातों बातों में बोलता है, क्या तुम मेरे लिए वैसा फील नहीं करती जैसा मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ। इसके बाद विराट साई के साथ बीते हुए पलों को याद करता है और उनके बारे में साई से बातें करने लगता है। विराट की बातों को सुनकर साई भावुक हो जाती है, लेकिन जब वो विराट और पाकी की फोटो देखती है तो खुद पर काबू करती है और वहां से जाने लगती है। तभी वहां पाखी आ जाती है और साई को सुनाने लगती है। पाखी जब साई को जलील कर रही होती है तभी बातों बातों में पाखी साई को रखेल तक बोलने वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही साई गुस्से में आकर पाखी को रोक देती है और वहां से चली जाती है। जिसके थोड़ी देर बाद ही विराट साई का नाम बार बार लेने लगता है, जो सुनकर पाखी बौखला जाती है और घर में रखे सारे सामान को इधर उधर फेंकने लगती है। यहाँ तक कि वो अपने और विराट के साथ की फोटो भी तोड़ देती है। तभी साई को एक अननोन नंबर से मैसेज आता है जो कि अजय ने किया होता है, जिसमें उसने लिखा होता है, अगले 5 मिनट में सब कुछ उसी तरह राख हो जाएगा जैसी राख मैंने तेरे माथे पे लगाई थी। ये मैसेज देखने के बाद सई समझ आती है कि ये मैसेज अजय ने किया है और वो विनायक को ढूंढने लग जाती है। आने वाले गुम है किसी के प्यार में के एपिसोड में आप देखेंगे कि सई विनायक को ढूंढती हुई नजर आएगी और वहीं विनायक स्पीकर बॉक्स जिसमें कि बॉम्ब लगा होता है उसे सही कर रहा होता है। तभी वहां साई आती है और उस बॉम्ब को विनायक से दूर फेंक देती है। तभी बॉम्ब फट जाता है जिसकी आवाज सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं, यहां तक कि विराट भी उठ जाता है। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि क्या आप सई और विनू इस बॉम्ब से बच पाएंगे या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।